और अब आप देख रहे हैं lallantop.com। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, लोगों की एक एक लीटर डलवाने में आत्मा जल रही है, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन जो लोग परेशान नहीं हैं वो सोशल मीडिया पे एक दूसरी आग लगा रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं कि मनमोहन सिंह सरकार 40,000 करोड़ का कर्जा छोड़ गई थी, जिसे अब मोदी सरकार को चुकाना पड़ रहा है पाई पाई जमा करके, और इसीलिए लोगों से सवाल किया जा रहा है कि क्या जब मोदी जी इतना काम कर रहे हैं तो अब 2 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते पेट्रोल और डीजल पे। अब ये अगर कोरी अफवाह होती और इसके पीछे कोई भी बुनियाद नहीं होती तो हम इसे एक आप ये कहिए कि एक फिजूल सोशल मीडिया पोस्ट करके खारिज कर देते। लेकिन ये जो 43,000 करोड़ का आंकड़ा है ये बहुत स्मार्टली क्राफ्ट किया गया है, इस झूठ को बड़ी मेहनत के साथ गढ़ा गया है। इसीलिए हमने अमना जी से कहा कि आप इसको ट्रैक कीजिए कि ये फिगर आता कहाँ से, और जिस तरह से ये प्रचार चल रहा है, क्योंकि पूरी तरह से गलत और पूरी तरह से सही दोनों नहीं है, ठीक है, लेकिन है भ्रामक ही। तो इसलिए अविनाश सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि ये फिगर कहाँ से आया और क्यों ये कहना गलत है कि मनमोहन सिंह जो कर्जा छोड़ गए थे उसे अब मोदी जी चुका रहे हैं। इसमें जो आंकड़ा है वो बिल्कुल सही है, 43,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बिल्कुल सही है जो ईरान को पैसे दिए गए हैं। लेकिन ये कहना कि वो कर्जा था ये गलत, जो चुकाया गया है वो गलत है। अच्छा, इसकी वजह ये है कि भारत तेल खरीदता है, अपने पास तेल है नहीं, भारत तेल खरीदता है, सबसे ज्यादा तेल हम सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं, उसके बाद फिर नंबर आता है ईरान का और फिर नंबर आता है इराक का। ईरान क्या है कि पिछले 10-12 सालों से आप देख रहे होंगे एक चर्चा में बना हुआ है अपने परमाणु कार्यक्रमों का, और उन पर बहुत सैंक्शंस लग रहे हैं, उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लग रहे हैं। 2006 से उसका कार्यक्रम जो शुरू हुआ है उसको लेकर के तमाम, वो अमेरिका हो, वो रशिया हो, वो चाइना हो, वो सब लोग उसका विरोध करते रहे हैं कि नहीं तुम परमाणु कार्यक्रम अपना रोको, लेकिन ईरान ने नहीं रोका चूंकि उसके पास तेल की ताकत थी, उसने नहीं रोका। 2011 में अमेरिका ने और जितने भी ताकतवर लोग देश हैं उन्होंने कहा, उस पर प्रतिबंध लगा दिए कि आप एक निश्चित सीमा तक ही तेल बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी ही तेल पर आधारित है। जब तेल को आप एक्सपोर्ट करने का काम उसका बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। दूसरी चीज, जो आप तेल बेचते हैं और उसका जो पैसा लेते हैं उस पर रोक लग गई, चैनल्स को ब्लॉक किया गया। तो फरवरी 2013 आते आते हुआ ये कि भारत तेल तो खरीदता रहा, हर दिन 4 लाख बैरल प्रतिदिन, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, 4 लाख बैरल प्रतिदिन भारत तेल खरीदता था। उससे हुआ ये कि जब यूं ही ये प्रतिबंध लगे 2013 में, तो भारत ने घट गया, भारत का आयात घट गया और वो $1,00,000 प्रतिदिन पे आ गया। ठीक, लेकिन जो पैसा दिया जाना था, जैसे हमारे यहाँ जो कंपनियाँ हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, SR है, और मंगलोर में जो रिफाइनरी है, मंगलोर रिफाइनरीज जो कंपनी है, वो ये लोग तेल खरीदती थी, इनको जो पैसा देना था, चूंकि वो चैनल ही पूरा ब्लॉक कर दिया गया, जिस चैनल के जरिए तुर्की का एक बैंक था, उस बैंक के जरिए वो पूरा पैसा देना बंद कर दिया गया। अब वो पैसा जमा होता रहा लगातार, मतलब कंपनियां ईरान से तेल खरीद रही थी, ले रही थी, भारत में लोगों को बेच रही थी, हम लोगों को बेच रही थी, हमसे वो पैसे ले रही थी, लेकिन अमेरिका और जो दूसरे देश थे उनके प्रतिबंधों की वजह से भारत उन तक पैसे पहुंचा नहीं पा रहा था, ईरान तक पैसे पहुंचा नहीं पा रहा था। फिर कैसे पहुंचाए? ये इकट्ठा होते होते करीब करीब, जब ये 2013 की बात है, जब ₹65 था, $1 की कीमत ₹65 थी, क्योंकि तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत डॉलर पे डिपेंड करती है, तो वो ₹65 था। हुआ ये कि अभी एक होते होते आपके आ गया 43,000 करोड़ लगभग। 2016 में जब मोदी वहाँ गए, ईरान गए, वहाँ पे हसन रोहानी से मुलाकात की, जो राष्ट्रपति हैं उनके, और चाबहार एयरपोर्ट से लेकर चाबहार वाले से लेकर के, और तमाम जो मुद्दों पे बात हुई, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, तो उसमें फिर ये तय किया गया कि इसका कुछ हल होना चाहिए। तो अमेरिका और जो शक्तिशाली देश थे, जो भी थे, जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था, उन्होंने 2015 में ढील दे दी, 2016 में मोदी वहाँ गए। अब इन दोनों के बीच बातचीत ये हुई कि आप किस तरीके से जो हमारा पेमेंट है उसको लिया जा सके। लेकिन जो ईरान प्रतिबंध लगने के बाद कमजोर पड़ा हुआ था, वो ईरान प्रतिबंध हटने के बाद थोड़ा मजबूत स्थिति में आ गया। उसने क्या किया, उसने कहा कि जो वो हल्क बैंक, जो तुर्की का बैंक था, जिसके जरिए भारत पहले हल्क बैंक को पैसे देता था, और हल्क बैंक जो है ईरान को पैसे देता था। ये 55% हुआ करता था, और जो बाकी 45% रकम हुआ करती थी भारत की, वो रुपये में दी जाती थी, जो यूको बैंक देता था, मतलब भारत सरकार में एक यूको बैंक की शाखा थी, वहां पे जमा हो जाते थे, और फिर ईरान उससे अपना ले लेता था। और बाकी जो और थोड़ी बहुत रकम हुआ करते थे, वो जैसे ईरान से हम कुछ आयात करते हैं, हम ईरान को जो निर्यात करते हैं, तो उन दोनों के बीच जो अपना अंडरस्टैंडिंग थी वो उसमें एडजस्ट हो जाता था। लेकिन ये 43,000 करोड़ रुपये एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। उसमें हुआ ये कि ईरान ने कहा कि हम हल्क बैंक के जरिए पैसे नहीं लेंगे, उसने कहा कि हम रुपये के जरिए पैसे नहीं लेंगे,
और उसने कहा कि जो हम तेल जो जब हमारे उसके ऊपर दबाव था तो जो तेल वो भारत पहुंचाता था $100,000 जो पर डे पहुंचाता था, तो पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी वो 50% ही वो लिया करता था। अच्छा, चूंकि उसकी मजबूरी थी कि वो तेल बेचे ही बेचे बाहर, लेकिन जब उस पर से प्रतिबंध हटे तो उसकी मजबूरी खत्म हो गई, उसके पास तेल अब खुल गया। अब उसने कहा कि आप पहले तो हम आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेंगे, 100% चार्ज लेंगे जितना हम यहाँ तेल पहुंचाते हैं। दूसरा उसने ये कहा कि चूंकि हमारा पैसा 2013 से रुका हुआ है और आप अब 2016 में हमसे बात करने आए हैं कि हमारा हम आपका पैसा आपको देना चाहते हैं और ये जरिया हो सकता है, तो हमें उस पर ब्याज चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय डॉलर की कीमत कम थी, बाद में डॉलर की कीमत बढ़ गई है, तो हमें तो उस डॉलर के हिसाब से पैसे चाहिए। तो 2016 में जब मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति हसन रोहानी की मुलाकात होती है तो ये सारे मुद्दों पर बात हुई है। मोदी राजी हो गए, रिजर्व बैंक राजी हो गया, भारत राजी हो गया कि हाँ ठीक है, अब 43,000 करोड़ रुपये जो यहाँ फंसे हुए हैं वो भाई सारी कंपनियों से उनको वसूलने थे, जैसे मंगलोर रिफाइनरीज थी उनसे लेने था, IOC से लेना था, क्योंकि इनके पास तो पैसा पड़ा हुआ था। चैनल सिर्फ ब्लॉक थे, सबसे बड़ी चीज़ ये कि चैनल सिर्फ ब्लॉक थे। अब मोदी के जाने के बाद से वो चैनल खुल गया, प्रतिबंध हट गया, चैनल खुल गया, अब ये पैसे उठा करके उनको दे देने थे। अब चूंकि एक ही बार में 43,000 करोड़ रुपये होते थे तो उसको किस्तों में दिया गया। तो पहली बार जब मोदी गए तो वहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए दिए गए। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे करके 6 किस्तों में वो 43,000 करोड़ रुपए ईरान को चुका दिए गए हैं। अच्छा, सीधी सीधी बात है। तो इसका कोई लेना देना जो अभी कीमतें बढ़ी हैं उससे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कीमतें बढ़ी जैसे जो प्रोपगेट किया जा रहा है कि कीमतें इसलिए बढ़ी हैं कि 43,000 करोड़ रुपए कर्जा था। मान लीजिए इंडियन ऑयल ने ईरान से तेल खरीदा, इंडियन ऑयल ने ईरान से तेल खरीद के मुझे बेच दिया, मैंने इंडियन ऑयल को पैसे दे दिए। अब इंडियन ऑयल की जिम्मेदारी यह है कि वो ईरान को पैसे दे। अब अगर इंडियन ऑयल ईरान को पैसे नहीं दे पा रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो चैनल ब्लॉक होने की वजह से, तो उसमें हम कहाँ गलत हुए? हमने तो अपना पैसा दे दिया है, जितने का तेल खरीदा था हमने दे दिया, भारत सरकार ने कोई उस पर सब्सिडी नहीं दी। सारी चीज़ें लगाने के बाद जो क्रूड ऑयल खरीदा उसके बाद जो सरचार्जेज होते हैं, जो टैक्स होते हैं, जो वैट होते हैं, सारा लगा करके तो हमारे पास 30 रुपये का तेल 70 रुपये तक पहुँचा था। हमने 70 रुपये में तेल खरीदा था, हमने उसको इंडियन ऑयल को पैसे दे दिए थे। अभी इंडियन ऑयल का हेडेक है कि वो आगे कैसे देगा, ये तो एक पॉलिटिकल गेम है, एक इंटरनेशनल जो रिलेशन होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। इसमें हमारी कोई गलती नहीं कि हम 2-2 रुपए से 43,000 करोड़ का कर्जा चुका रहे हैं। तो मतलब ये बात बिल्कुल साफ है कि अभी फिलहाल जो तेल के रेट बढ़े हैं उसका उस कर्जे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कर्जा था ही नहीं। तो अगर आपको कोई इस तरह का लॉजिक दे कि मोदी जी जो पाई पाई जोड़ के ईरान को कर्जा चुका रहे हैं जो कि मनमोहन सरकार के समय से जारी है, उसे आप ये वीडियो दिखा के या lallantop.com पे लगी अविनाशी खबर पढ़ा के सिरे से खारिज कर सकते हैं। और आपके पास एक टूल हम और दे रहे हैं, ये अविनाश के जरिए ही हमें मालूम चला था, चूंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की बात हो रही तो सोशल मीडिया पे ही इस अफवाह का एक इलाज ये भी था। पीयूष गोयल ने मेरे ख्याल कुछ समय पहले दो जुलाई 2016 को उन्होंने पोस्ट किया था कि सरकार को अचानक 43,000 करोड़ की अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मालूम चला है जो अब सरकार के खजाने में जमा हो गई। तो अब आपके पास इतना बेनामी पैसा अगर सरकार को वसूल हो गया था तो उसी में से उठा के दे देते तो हम पे 2-2 रुपए लगाने का कोई एग्जैक्ट था कि 43,000 करोड़ रुपए अनडिस्क्लोज इनकम है, 43,000 करोड़ रुपए हमने ईरान को दे दिए हैं, अब आपका तेल जो है और सस्ता हो जाएगा। ये भी तो कर सकते थे, लेकिन जो ट्रोलिये होते हैं सोशल मीडिया के उनके पास इतना दिमाग होता नहीं है। दिमाग अविनाश जैसे जहीन लोगों के पास होता है और जब वो खबरें करते हैं तो उनको आप तक हम इस तरह के वीडियोस बना के पहुंचाते रहते हैं। अगर आप ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाया कीजिए जहाँ पे अलग अलग हम खबरें करते हैं, और अगर इस वीडियो का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।